अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू आर वेल। और यहाँ पर नीट 2021 के लिए जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर कोर्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा मतलब डाउट रहता है कौन सा कोर्स जो है हमें। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉपर्स हैं, जिन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं ली, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट में है कि उन्हें कौन सा कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना है। देखिए, कोड फर्स्ट जो है, कोड नंबर 1, जो कि अगर आप क्लास 12th में अपीयर हैं, ठीक है ना, अपीयर हुए, आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, तो आपको कोड फर्स्ट जो है वो चूज़ करना है। उसके बाद कोड 2 जो है उसकी अगर बात करें, तो कोड जो 2 है सेकंड कोड, तो वो क्लास 12th जो पास आउट है, ठीक है ना, जिन्होंने पास कर लिए 12th क्लास। उसके बाद जो कोड 3 है, क्लास 12th जिन्होंने पास की है, ठीक है ना, लेकिन बाई जो प्राइवेट बोर्ड से की है, ठीक है, या फिर ओपन स्कूल से की है, ठीक है ना। तो उसके बाद कोड 4 है, जो 12th पास कर चुके हैं और फार्मेसी कर रहे हैं, BAMS कर रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है ना, नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए। कोड 5th जो है BSc ग्रेजुएशन, जो 3 ईयर डिग्री जो है कम्प्लीट कर रहे हैं, उनके लिए। उसके बाद कोड 6 जो है वो BSc क्लासेस अगर कंप्लीट कर ली है, उनके लिए। और कोड 7 NRIs के लिए। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि तो आप चूज़ कर सकते नहीं, क्योंकि जो भी कोर्स है आपके सामने सारा कुछ दिख रहा है, कि इसलिए ड्रॉपर्स जो होंगे, जिन्होंने कहीं भी एडमिशन ली है, वो जो है सेकंड कोड 2 चूज़ करेंगे। ड्रॉपर्स जो हैं वो कोड 2 जो है उससे सेलेक्ट करेंगे अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है ना। बाकी तो आप कर सकते नहीं, 1 तो कर सकते नहीं, क्योंकि आप तो अपेयर नहीं है अभी 12th में, आपका 12th हो चुका है। उसके बाद बाकी कोर्स जो हैं उसमें भी तो आप अगर ओपन से किया है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर आप ड्रॉपर्स हैं, आपने गैप लिया, आप जस्ट तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो आप कोड 2 ही सिलेक्ट करें। ओके, सो गुड लक, होप आपको ये क्लियर हो गया।